जय जिनेन्द्र बंधु, भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ के कल्याणकों से पावन पवित्र भूमि सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर में बन रहे श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 11वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य आप प्रतिदिन देख रहे हैं, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद सम्पन्न हो रहा है। आयोजन के 14वें दिन सानंद सम्पन्न होने के बाद 15वें दिन यानी 16 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी पुरुषों ने पूर्ण भक्ति भाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो वीतरागाय नमो नमः, ओम परम सिद्ध चेतन सिद्ध परमात्मे नमो नमः, मूल लायक वेदिवराज नादिनाथ पार्षनाथ चंदा प्रभु शांतिनाथ जिनुष्या ओंकार विन्दुषिक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदम् ओंकाराय नमो नमः। नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वचेतसे नामानि मोक्षशोकाभिलाषे निर्मलाशयाशो शुद्धो निर्विकारो। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। जैन धर्म में आद पहले जिन आत्महितम आत्मा का हित करने की बात कही है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय आत्मा के हित की बात करते हुए कहते हैं और पूछते हैं, आत्मा के हित इस जीव का क्या कर्तव्य है कि पर के हित में ही लगा रहे, चक्कर में लगा रहे या आत्मा का हित करे। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भाई, आद हितम पर आत्मा का हित करो, आद हितम आत्मा का हित करो, जैम सक्कई पर हितम का दब्बम, आद हितम पर हितम आत्महितम श्रेष्ठ का दब्बम, अर्थात पहले आत्मा का हित करो और बन सके तो पर का हित करो। अर्थात जो आत्मा के हित में लगा है, जो आत्मा का हित कर रहा है, वही पर का हित कर सकता है। जो आत्मा के हित में नहीं लगा है वह पर का हित नहीं कर सकता है। जो MBA की पढ़ाई पढ़ा है वही दूसरे छात्रों को, MBA वाले छात्रों को पढ़ा सकता है। जो तैरना जानता है स्वयं, वह दूसरों को तैरना सिखा सकता है। जो स्वयं नहीं जानता है वह सिखाएगा भी। कहते हैं ना कि आप बैठे पाँवने ले डूए मझधार, जो भी बैठेगा उस नाव में उसको भी डूबा ले जाएगा। स्वयं तो डूबेगा ही पत्थर की नाव में और दूसरों को भी डूबा ले जाएगा। ऐसे ही जिसके पास यदि एक रोटी है तो वह आधी रोटी दे सकता है दूसरों को, भूखे को, और जिसके पास नहीं है वह क्या देगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं, हम बहुत लंबी चौड़ी बातें कहते रहते हैं, अरे देखो इसने इतना कमा लिया,
इसने 2 लाख कमा लिए, इसने 4 लाख कमा लिए, इसने 10 लाख कमा, इसने 10 करोड़ कमा लिए, इसने देखो इतनी वंदना की, इतनी तीर्थ यात्रा की, इतना अभिषेक किया, ये रोजाना अभिषेक करता है। परंतु हमें अपने आप सोचना कि हम क्या करते हैं, हम कितना धर्म करते हैं, अपने आत्महित के लिए कितना करते हैं। इसीलिए कहा आद्यदम अपना हित करो पहले, यदि बन सके तो दूसरों के हित में निमित्त बन जाओ, दूसरे का कल्याण कर सके हम दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। कहते नहीं, दूसरे को कल्याण का मार्ग तो दिखा सकते हो, रास्ता तो दिखा सकते हो, लेकिन उसके कल्याण में निमित्त तो हो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हो। दूसरे के कल्याण में निमित्त होता है वही जो स्वयं के कल्याण में लगा हो, जो स्वयं के कल्याण में नहीं लगा हो भाई दूसरे के कल्याण में निमित्त भी नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान ने धवला आदि ग्रंथ में कहा है, कहते ना शास्त्र में लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ ठीक नहीं है। वह कहते हैं कि रत्नात्रय जो धारी मुनिराज हैं उनके प्रति, रत्नात्रय धारी श्रावक है उनके प्रति, रत्नात्रय धारी आरिका है उनके प्रति, क्षुल्लक है, इलक है और सम्य दृष्टि श्रावक हैं उनके प्रति जो लगाव है, जो प्रीति है, वह लगाव कहते हैं तुम्हारे लोभ है, लगाव लोभ है। और वह लोभ स्वर्ग मोक्ष को देने वाला है, और संसारी से जो लगाव है, रागी रागियों से जो लगाव है, वह कहते हैं वह लोभ वह दुर्गति में ले जाने वाला। जो साइमी से लगाव है, साधक से लगाव है, रत्नात्रय धारी से लगाव है, वह तो कहते हैं तुम्हारे कल्याण में निमित्त होता है, उसे प्रशस्त राग कहा है। और जो संसारी से लगाव है उसे अप्रशस्त अशुभ राग कहा है। अपन अनुभव है ना, अपना अनुभूति है अपनी, वह दूसरों को दे नहीं सकते, बटा नहीं सकते। यदि एक 10 लोग खड़े हैं, एक एक डली गुड़ की दे दी उनके हाथ में और कहा चखो भैया, तो वह चख करके कहेगा मीठी है मीठी है मीठी है, और जिसने कभी नहीं चखी उसको भी बताएगा कि अरे, उसका वर्णन करेगा अरे गुड़ बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। परंतु उसके से कहो कैसा होता है, तो वो कहते वो अनुभव तो जब वो स्वयं खाएगा ना तब उसे उसका आनंद आएगा। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति है, उसे कह नहीं सकते हैं शब्दों से, जो स्वयं अनुभव करता है वो स्वयं उसका आनंद लेता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि हे भाई तुम चाराना ज्ञान है ना, गुरु से ले लो, चाराना शास्त्र से ले लो, चाराना अनुभवी से ले लो, और चाराना स्वयं अनुभव से लो। तो तुम्हारा जो 16 ज्ञान होगा भाई तुम्हारे आत्मा के कल्याण में साधक होगा। जो सहानुभूति बिना कल्याण नहीं, स्व का अनुभव किए बिना आत्मा का किसी भी प्रकार से आनंद और मोक्ष होने वाला नहीं है। ऐसे मोक्ष पथ पर चलने वाले वे साधक साधु महाराज हमेशा कहते हैं कि जो विषयों की आशा से रहे थे, आरंभ परिग्रह से रहे थे, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं रहते हैं, ऐसे नमो लोई सब श्रावणम कहते ही 2.5 दीप में विराजमान गुरु भक्त वयम सारदम दीप दुतय वर्तना
वंदा महेति शंखो ने नव कोटि मुनीश्वरा। यहाँ जो साधु परमेष्ठी की हमने पूजा की, तो हमने कहाँ तक पूजा, किन किन की पूजा कर ली? अकेले यहाँ विराजमान साधु की नहीं, 3 अर्थात 45 लाख योजन मध्य लोक में जितने भी 3 करोड़ मुनिराज हैं, उन सब की हमने यहाँ बैठे बैठे भाव पूजा कर ली है। वह साधु हम निरंतर अपने स्वरूप में लीन रहते हैं मुख्य रूप से, और पर अपने आत्मा को, ज्ञानमय आत्मा को ही मुख्य मानते हैं, उसको ही महत्व देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत की साधना करते हैं, और वह मुनि राज पर पदार्थों से ममत्व नहीं करते हैं, राग और अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हुए रागादि परिणाम कदाचित होते हैं, परंतु उसमें एकत्व तो नहीं होता है। अपने उन्होंने जिस ज्ञान को उपाध्याय महाराज से पढ़ा है, सुना है, उस ज्ञान को अपने आत्मसात करते हैं। जैसे कल जो सुई होती है ना, यदि धागा से रहित होती है, महिलाएं उसे उसमें धागा पोकर रखती हैं कहीं गुम ना जाए, यदि धागा सहित होती है तो वह गुमती नहीं। ऐसे ही हमारा आत्मा यदि तत्व ज्ञान सहित होता है, सूत्र सहित होता है, सूत्र का ज्ञान हमारी आत्मा में होता है, तो वह 4 गति 84 लाख योनि में घूमता नहीं। यदि उस ज्ञान को हमने आत्मसात कर लिया, कहते देव और शास्त्र छूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है, वह ज्ञान तुझे सदुपयोग तक ले जाएगा, मोक्ष तक ले जाएगा। यही मति सुत ज्ञान तुम्हारे केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर तुम्हारे आत्मा में कार्यकारी होगा। ऐसे ज्ञान के प्रति, ऐसे तत्व ज्ञान के प्रति हम सतत निरंतर अभ्यास करें, और अभ्यास करके अपने आत्मा का कल्याण करें। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। 15वें दिन भी अनेकों परिवारों की ओर से विधान किया गया। सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। चंदन तंदुल पुष्प के चरसु दीप सदो विफलार गए, धवल मंगल गानी रमा कुले जिन करे जिन नाद मयम यदि। ओम रीम भगवान के घर जम तब ज्ञान निर्माण, पंच कल्ला को मंडता जला दिया गण पंच भगवान चित फल पाए। दिव्य पुष्पांजलि छिपे, दिव्य पुष्पांजलि छिपे। महान भाव, आप अगर भक्ति करोगे तो भगवान आपको पुण्य देंगे, और आप गाली गौंज करोगे तो आपको पाप देंगे, और पुण्य पाप से सारा तुम्हारा जीवन चलने वाला है। तो महान भाव, भगवान प्रसन्न हो करो और भगवान से पुण्य प्राप्त करो। ये लोगों ने बहका रखा कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे भैया, हमने पिताजी से 1 रुपया 2 रुपया पेंट शर्ट का कपड़ा, मम्मी से खाना, बहना से ये, रिश्तेदारों से वो सब मांगते हैं। जो हमारे घर के रिश्तेदार हैं उनसे तो हम 1 मांगते हैं। अभी सरकार से कहेंगे, हमें सरकार भैया हमारे लिए घर दो, हमारे लिए मकान दो, देते एक वोट है, मांगेंगे सब कुछ। तो महान भाव, जब सरकार भी हमें देती है तो ये क्या है? ये 3 लोग की सरकार है, 3 लोग के राजा है। अगर ये हमें कुछ ना दे सके तो नमोस्तु भगवान, हम अपने घर जा रहे हैं। महान भाव, लोगों ने बहका रखा है आप लोगों को, बहुत झूठ झूठ प्रकार के। भैया आप ऐसी पूजा करो, ऐसा करना, कुछ नहीं। ये बीतरागी है लेकिन सब कुछ देते हैं, यही तो बीतरागी है। इनका खजाना तो बीतरागी नहीं है,
इनके पास सब कुछ भरा है, आप जाओगे तो इनको थोड़ी देना है, वो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। इनको ना देना है ना इनको लेना है। आज विद्याश्री विद्याश्री माता जी के मंगल सानिध्य में और इंद्र भैया जी के मार्गदर्शन में नमोकार महामंत्र के विधान में बहुत आनंद आया। यहाँ पे अद्वितीय त्रिमूर्ति आदिश्वर भगवान विराजमान है तो दर्शन का भी लाभ मिला। यहाँ का बहुत अच्छा लगा हमें और हम फिर भी आएंगे और हमें माता जी के दर्शन मिले बहुत खुशी हुई है और हमारा आधा परिवार भी और आने वाला है यहाँ पर। हम हस्तिनापुर नगर में यहाँ त्रिनेत्रादीश्वर आदिनाथ भगवान जहाँ विराजमान हैं, हस्तिनापुर पांडवान क्षेत्र विद्या विधाश्री आश्रम आदिवीर आश्रम में यहाँ पर नमोकार महामंडल विधान हो रहा है 48 दिवसीय और इसमें हम लाभ लेने हेतु यहाँ पधारे हैं। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भाव भी इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुँचें और कम से कम एक विधान तो अवश्य कराएं। जय जिनेंद्र।